गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन हम कर रहे हैं फरवरी 2022 के पेपर का। ये पार्ट थ्री है, इससे पहले का पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, पेपर में जाने से पहले बहुत जरूरी है कि ये लेक्चर्स आप सभी करके जाइए। यूनिट थ्री, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर सिक्स में आया था, व्हाट आर यूनिवर्सल गेट, व्हाई दीज आर नेम्ड सो जस्टिफाई, तो सिक्स मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट रिसीव्स 4-बिट बाइनरी इनपुट एंड प्रोड्यूसेस इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट, इट वॉज आस्क्ड इन 10 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, डिटेल आउट इट्स प्रोसीजर फॉर डिजाइन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, इट वाज ऑफ 8 मार्क्स। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी लेवल नैंड एंड नॉर सर्किट्स, इलस्ट्रेट, इट वाज ऑफ 4 मार्क्स। व्हाट आर एंड और इनवर्ट एंड और एंड इनवर्ट इम्प्लीमेंटेशन, एक्सप्लेन, इट वाज आल्सो ऑफ 4 मार्क्स। तो स्टूडेंट, यूनिट के अंदर, हर एक यूनिट के अंदर हमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। मैं यहाँ दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगी, लेकिन आपको सिर्फ एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आना है। नाउ सी द क्वेश्चन, फर्स्ट, व्हाट आर यूनिवर्सल गेट, व्हाई दीज आर नेम्ड सो, तो जस्टिफाई, यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं और इनको क्यों ऐसा बोला गया है, यूनिवर्सल गेट क्यों बोला गया है। तो यूनिवर्सल गेट होते हैं नैंड एंड नोर, ठीक है। तो इनको यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये ऐसे गेट होते हैं जो अकेले में कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट प्लस और एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट प्लस एंड, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये कोई भी सर्किट डिजाइन कर लेते हैं, इनकी हेल्प से कोई भी एनी सर्किट कैन बी डिजाइन विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट्स। जबकि बेसिक गेट्स जो होते हैं वो होते हैं एंड और नॉट, ठीक है। ये वो गेट्स हैं जो अकेले में कुछ नहीं कर सकते, इनको हेल्प लेनी पड़ती है दूसरे गेट्स की टू डिजाइन एनी सर्किट। लेकिन यूनिवर्सल गेट डिजाइन कर सकते हैं एनी ऑफ द सर्किट, ठीक है, अकेले ही। अब जस्टिफाई, इस बात को जस्टिफाई करें कि यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहा गया है। इनको इसीलिए कहा गया है क्योंकि यूनिवर्सल गेट की हेल्प से हम जो है बेसिक गेट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन इम्प्लीमेंट बेसिक गेट्स विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है। अब कैसे इसकी जस्टिफिकेशन करते हैं, तो बेसिक गेट्स जो हमारे एंड और नॉट होते हैं, ठीक है, अब हम तीनों गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट्स। और यूनिवर्सल गेट्स जो कि होते हैं नैंड एंड नोर, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं नैंड गेट को की हेल्प से। नैंड गेट की हेल्प से हम एंड गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और को भी और नोट को भी। तो नोट गेट की इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, ठीक है, कैसे होती है। तो नोट गेट जब हम लगाते हैं तो इस तरीके से लगाते हैं, इस मार्क से ये इन्वर्टर मार्क होता है और ये हमारा बन गया ए बार। जैसे ही हमने इस पे इन्वर्ट लगाया, ठीक है, तो ये इन्वर्ट हो गया, नोट बन में आ गया। अब इस इन्वर्टर के लिए हम जो है नैंड गेट भी लगा सकते हैं, अगर हमने इसके ऊपर नैंड गेट लगाया तो भी ये इन्वर्ट हो जाता है। तो इट मीन्स नोट गेट के लिए हम अगर हम नोट गेट इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो वी रिक्वायर 1 NAND गेट। नोट गेट की इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें 1 NAND गेट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वी सी ओर गेट, ठीक है, तो दिस इज ओर। तो अगर हमने ओर गेट इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, पहले हम एंड को देख लेते हैं। अगर हमने एंड गेट इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए हमें कितने नैंड गेट चाहिए। तो एंड गेट होता है लाइक दिस, ये हमारा एंड गेट और दिस इज ए डॉट बी, एंड गेट का मार्क। अब नोट एंड गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हमें नैंड गेट चाहिए, नैंड गेट अगर हम लगाएं तो हमें 2 NAND गेट चाहिए। एंड गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 2 NAND गेट चाहिए लाइक दिस, ठीक है। कैसे, दिस इज ए दिस इज बी, तो एंड का अपोजिट, एंड का कॉम्प्लीमेंट। फिर से इस पे नैंड गेट लगा दिया तो ये फिर से जो है
इसका अपोजिट बन गया, ठीक है। तो हमने जो इसका ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट था, इसके ऊपर एक और नैंड गेट लगाया, तो इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। और जब इसे खोलेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कट गया और ये हमारा आ गया ए डॉट बी। तो इट मीन्स हमने एंड गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए दो नैंड गेट, ठीक है। और फिर हम देख लेते हैं नॉट गेट, और गेट। और गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो और गेट होता है हमारा लाइक दिस, ए बी, ये हमारा है और गेट। और जब हम और गेट लगा देते हैं तो ये हो जाता है ए प्लस बी, ठीक है। अब और गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें नैंड गेट कितने चाहिए, तो पहला नैंड गेट, ठीक है, ये इसको कर देगा ए बार, दूसरा नैंड गेट ये इसको करेगा बी बार, और इन दोनों पे एक और नैंड गेट लगा दिया, तो ये हो जाएगा ए बार, ए बार इन दोनों का एंड का अपोजिट, डैट इज दिस वन। और इस पे कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट काटा, तो डैट इज ए डॉट का कॉम्प्लीमेंट प्लस, एंड कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कट गया तो ए प्लस बी, तो ये आ गया हमारा ए प्लस बी। ए प्लस बी ही हमें चाहिए था, तो ए प्लस बी के लिए हमें तीन नैंड गेट लगाने पड़े, यानी और के लिए हमें तीन नैंड गेट जो है रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये तो हमने नैंड गेट को इम्प्लीमेंट कर दिया, नैंड गेट के लिए हमने जो है तीनों गेट को इम्प्लीमेंट किया, नोट एंड और, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। अब हम जो है नोर गेट को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। नोर गेट की हेल्प से हम तीनों गेट को इम्प्लीमेंट करेंगे, और एंड और नोट, ये तीनों बेसिक गेट्स को अब हम नोर गेट की हेल्प से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो पहले हम नोट को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। फर्स्ट वन, नोट जब हम लगाते हैं और के लिए, ठीक है, नोट गेट हमने लगाया, तो ये है नोट गेट हमारा, सॉरी नोट गेट, किसी भी इनपुट के ऊपर जब हम नोट गेट लगाते हैं लाइक दिस, तो वो हो जाता है इन्वर्टर, ठीक है। अब हम इसको नोर गेट में अगर कन्वर्ट करें, तो ये हमने नोट गेट लगाया, नोर गेट लगाया, और ये भी हो गया इन्वर्टर। तो नोट गेट के लिए हमें जो है एक नोर गेट चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड नोट गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए एक नोर गेट, ठीक है। अब सेकंड देख लेते हैं, डैट इज एंड, या फिर यहाँ देखते हैं पहले सेकंड और के लिए हमें कितने नोर गेट चाहिए। और होता है ऐसे, दिस इज ए प्लस बी, तो और के लिए हमें कितने नोर गेट चाहिए, तो देख लेते हैं। पहले एक नोर गेट लगाया सपोज हमने, तो दिस इज ए प्लस बी का बार। फिर हम दूसरा एक और नोर लगा देंगे, तो हमारा नोर लगाते ही जो है इसका अपोजिट हो जाएगा, और बार से बार कटा, तो दिस विल बी ए प्लस बी, ठीक है, और गेट आ गया हमारा। और इस और गेट के लिए हमें चाहिए दो नोर गेट, और गेट के लिए हमारे दो नोर गेट की रिक्वायरमेंट हमें पता लगी। नेक्स्ट इज एंड गेट। अब एंड गेट होता है ऐसे, ए बी, ये है हमारा एंड गेट, ठीक है। अब इसके लिए हमें कितने नोर गेट लगाने पड़ेंगे, तो पहला नोर गेट लगाया हमने, तो ये हो गया ए बार, फिर दूसरा नोर गेट लगाया हमने, तो ये हो गया बी बार। अब तीसरा नोर गेट अगर हमने लगाया, तो ये क्या करेगा, जो और होता है उसका कर देगा इन्वर्ट, यानी ये हो गया ए प्लस का इन्वर्ट डॉट, एंड दिस इज इनवर्ट, इसे कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कट गया, तो दैट इज बी। तो ये एंड आ गया, ठीक है, एंड आ गया। और एंड के लिए हमें रिक्वायरमेंट हुई तीन नोर गेट की, एंड के लिए
इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट हुई 3 NOR गेट की, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा जस्टिफिकेशन यूनिवर्सल गेट का, तो इस तरीके से आपको दिखाना है। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन ए कम्बिनेशनल सर्किट दैट रिसीव्स 4-बिट बाइनरी इनपुट एंड प्रोड्यूसेस इट्स 1's कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो क्वेश्चन था ये तो था 6 मार्क्स का और ये क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करना है जिसमें जो कि 4-बिट बाइनरी इनपुट को रिसीव कर रहा है और 1's कॉम्प्लीमेंट जो है एज ए आउटपुट ये शो कर देगा। तो अब 4-बिट बाइनरी इनपुट जो है बनाते हुए हम कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाएंगे, ठीक है। तो डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट रिसीव्स 4-बिट बाइनरी इनपुट। अब 4-बिट बाइनरी इनपुट हम लेंगे और कॉम्बिनेशनल सर्किट वो होता है जहाँ पर आउटपुट डिपेंड करती है एंटायरली ऑन इनपुट, मतलब टोटली आउटपुट डिपेंड करती है इनपुट के ऊपर, ठीक है। अब एक टेबल बनानी होगी हमें इसके लिए, तो थोड़ी सी बड़ी टेबल लेंगे हम, ठीक है। तो ये टेबल हमने बनाई, ठीक है। तो अब यहां पर जो है डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर लेंगे हम और बाइनरी और क्या लेंगे 1's कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट। तो 4-बिट बाइनरी इनपुट है हमारी और 1's कॉम्प्लीमेंट हमारा आउटपुट है, तो 4-बिट बाइनरी इनपुट है, इनपुट है 4-बिट की ए बी सी डी, ठीक है। तो 4-बिट का अगर इनपुट है तो 2 की पावर 4 यानी 16 कॉम्बिनेशन होंगे। तो 16 कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं फटाफट, और दैट इज 0 0 0 0 8 0, ठीक है, और 8 1, ठीक है। 4 4 का पार्टीशन कर लेते हैं थोड़ा सा क्लियर विजन के लिए, ये हो गया 4 इनपुट्स 4-बिट बाइनरी इनपुट्स हैं। तो 8 0 8 1, नेक्स्ट 4 0 4 1, ठीक है, 4 0 4 1 ऐसे लेते हैं हम कॉम्बिनेशंस को। एक सेकेंड, यहाँ ठीक से कर देते हैं हम इसको, जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो 1 0 1। तो ये इस तरीके से हम कॉम्बिनेशंस लेते हैं 4 बिट्स की, ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन। इनके अगर हम डेसिमल देखें, इनके इक्विवेलेंट, तो डेसिमल इनका होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। अब जो है इनके कॉरस्पॉन्डिंग 1's कॉम्प्लीमेंट इनका आउटपुट जाएगा। तो 4 इनपुट हैं, 4 ही आउटपुट होंगे, तो 1's कॉम्प्लीमेंट रहेगा इनका। तो 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 का 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इनके अपोजिट। 0 का 1's कॉम्प्लीमेंट होता है 1 और 1 का 1's कॉम्प्लीमेंट होता है 0, ये है 1's कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये 1's कॉम्प्लीमेंट में अभी पूछा गया है और इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में भी पूछ सकते हैं। अगर इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में पूछेंगे तो आप इसको कर देंगे 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ठीक है। अब 1's कॉम्प्लीमेंट करेंगे, 4 0 का 1's कॉम्प्लीमेंट 4 1, ठीक है। अब 0 0 0 1 है तो 1 1 1 0, इनका 1's कॉम्प्लीमेंट मैं कर रही हूँ, इट्स 1's कॉम्प्लीमेंट। 0 0 1 0 डेट इज 1 1
01। तो जहाँ 0 है वहाँ 1 कर रहे हैं हम, 1 0 0 1 1, 1 1 0 0, ठीक है। फिर 0 1 0 0, डेट इज 1 0 1 1, 0 1 0 1, 1 0 1 0, ठीक है। अपोजिट कर रहे हैं हम, 0 1 1 0, 1 0 0 1, वंस कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 1 0 0 0, 1 0 0 0 है 0 1 1, और 1 0 0 1 है तो 0 1 1 0, 1 0 1 0 है 0 1 0 1, 1 0 1 1 है तो 0 1 and 0 0, ठीक है। ये वंस कॉम्प्लीमेंट कर दिया हमने। फिर 1 1 0 0, डेट इज 0 0 1 1, 1 1 0 1, डेट इज 0 0 1 0, 1 1 1 0, 0 0 0 1, 1 1 1 1, 0 0 0 0, यानी जहाँ 1 है वहाँ हमने कर दिया इसका अपोजिट 0, ठीक है। अगर ये 2's कॉम्प्लीमेंट होता ना तो हम इसमें 1's कॉम्प्लीमेंट करके इसमें प्लस 1 भी कर देते, ठीक है। तो अभी 1's कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, और ये हमारा आउटपुट आया है, ये हमारा इनपुट है। अब ये डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अब हमारा बनेगा के मैप, के मैप बनेगा W का, X का, Y का और Z का, और फिर हम कोई बुलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे और फिर हम लॉजिक सर्किट बनाएंगे। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का प्रोसीजर ही ये होता है कि पहले हम जो है ट्रुथ टेबल बनाते हैं, फिर हम उसके बेस पे बुलियन एक्सप्रेशन के मैप बनाते हैं, के मैप को फिर मिनिमाइज करके बुलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं, और बुलियन एक्सप्रेशन से फिर हम लास्ट में लॉजिक सर्किट बनाते हैं। तो अब इनको देख लेते हैं डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के लिए जो हमारा के मैप बनेगा, ये हम W के लिए देख रहे हैं, ठीक है। K मैप बनाएंगे अब W के लिए, K मैप फॉर W, फॉर K मैप फॉर W, इट इज K मैप फॉर W, ठीक है। और वेरिएबल्स हैं हमारे पास 4 वेरिएबल्स एज द इनपुट, A B C D, ठीक है। और कौन कौन से हैं, डेट इज 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 and 1 0, ठीक है। ये हमारा होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15, ये होता है हमारा जो W के लिए, ठीक है। तो ये हमारे सेल्स की पोजीशंस होती हैं। अब जो है हम करेंगे, एक सेकेंड इसको कॉपी कर लेती हूँ मैं, और यहाँ पर अब हमने W के लिए पुट करना है, W के लिए। तो W के लिए हमारा जो 0 1 2 3 जो वैल्यूज हैं वो क्या है, 1 1 1 1, ठीक है। तो 0 पे वैल्यू 1, 1 पे वैल्यू 1, 2 पे, 3 पे, सब पे 1, ठीक है। 4 5 6 7 पे भी 1, 4 5 6 7 पे हमने अप्लाई कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया 1, 8 9 10 11 पे है 0 0 0 0, फिर 12 13 14 15 पे भी है 0 0 0 0, ठीक है। अब हम बनाएंगे ग्रुपिंग, तो ये हमारा डायरेक्ट ग्रुपिंग दिख रहा है हमें, 8 का ग्रुप, ये हमारा 8 का ग्रुप बन गया। ऊपर से ये वैल्यूज कट गई, 0 0 से 1 1, 0 1 से 1 0, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज कट गई। अब यहाँ हॉरिजेंटल देखेंगे तो यहाँ हमारा बी चेंज हो रहा है, ए बार कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू आ गई ए बार। तो ये डब्ल्यू की जो वैल्यू आई, डेट इज ए बार आ गई। इसी तरीके से हम के मैप बनाएंगे अब एक्स का, ठीक है। तो एक बार अब हम बना लेते हैं एक्स के लिए, नाउ वी सी के मैप फॉर एक्स, ठीक है। तो अब के मैप एक्स के लिए, अब एक्स के लिए हमने क्या करना है, तो डब्ल्यू के लिए जो इसकी वैल्यू आई थी ए बार आई थी, ये हम ध्यान रखेंगे। अब हम बना रहे हैं इसका एक्स के लिए, एक्स के लिए भी हम पुट कर देते हैं फटाफट वैल्यू, 0 1 2 3 पे 1 1 1 1, 0 1 2 3, 4 5 6 7 पे 0, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना,
अब 8, 9, 10, 11 पे एक्स की वैल्यू है 1, 1, 1, 1। फिर 12, 13, 14, 15 पे है वैल्यू 0, 0, 0, 0। अब 8 का ग्रुप कॉर्नर से बन रहा है हमारा ये वाला, ठीक है। तो ये जो हमारा बन रहा है, अब हम इसका जो है ग्रुपिंग करेंगे, ऊपर से वैल्यूज कट हो जाती हैं, हो जाएंगी, और ये इसमें अगर हम देखें तो वैल्यू क्या जा रही है, ए चेंज हो रहा है, बी बार कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, दैट इज बी बार, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स के लिए। डब्ल्यू के लिए, डब्ल्यू के लिए जो हमारा आया आंसर, डब्ल्यू के लिए ए बार, ठीक है, और एक्स के लिए, फिर उसके बाद एक्स के लिए आया आंसर, एक्स के लिए बी बार। थोड़ा सा एक्स के लिए बी बार। अब हम जो है के मैप फिर से बनाएंगे एक बार, और इस बार हम बनाएंगे वाई के लिए। तो एक बार इसको इरेज करना पड़ेगा हमें, वाई और जेड के लिए, और हमें के मैप बनाना है, के मैप फॉर वाई। दिस इज के मैप फॉर वाई, ए बी सी डी, दिस इज फॉर वाई। तो वाई के लिए हम पुट कर देते हैं 1, 1, 0, 0, 0, 0, फिर 1, 1, 0, 0, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 1, 1, 8, 9, 10, 11, 0, 0, ठीक है। फिर y के लिए है 1, 1, 0, 0, 12, 13, 14, 15। अब फिर से यहाँ पर हमारा ग्रुप बन रहा है, और यहाँ पर ये वैल्यूज हमारी कट हो जाएंगी, और ये है 0, 0, 0, 1। इट मीन्स d चेंज हो रहा है, c बार कांस्टेंट है, तो c बार हमारा कांस्टेंट है। अब जो y के लिए आया हमारा c बार, ठीक है। अब z के लिए भी हम देख लेते हैं एक बार इसे, और z के लिए एक बार यहीं बना लेते हैं हम इसे फटाफट से k मैप। तो ये हम z के लिए बना रहे हैं, जेड के लिए, और दिस इज ए बी और दिस इज सी डी। फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4 पे हमने पुट कर दिया, 4, 5, 6, 7 पे है 1, 0, 1, 0, फिर 8, 9, 10, 11 यहाँ होता है 1, 0, 1, 0, फिर 12, 13, 14, 15 पे है 1, 0, 12, 13, 14, 15, ठीक है। और ये जो ग्रुप बना, इधर का और इधर का ग्रुप बन गया, ठीक है। तो इनके साइड, ये जो साइड में हॉरिजेंटल वैल्यूज हैं, ये कट हो जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यूज बचेंगे, डेट इज 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ठीक है। तो यहाँ पे डी सी चेंज हो रहा है, एंड डी बार कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आ गई डी बार, किसकी, जेड की, ये वैल्यू थी वाई की, जेड की वैल्यू आई है डी बार। आज के हैं हमारे एक्सप्रेशंस, अब हम इनका लॉजिक सर्किट और बना लेते हैं, और लॉजिक सर्किट जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट था, उसके लॉजिक सर्किट पे आ गए हैं हम, और डब्ल्यू ए इनपुट हमारी ए है, तो इसका इन्वर्ट डेट इज ए बार, ये होगा डब्ल्यू, ठीक है। अगर इनपुट हम बी देते हैं और इसका इन्वर्ट जब किया जाता है, तो आंसर आएगा एक्स के लिए। फिर सी, सी इन्वर्ट डेट इज आंसर ऑफ वाई, डी इन्वर्ट डेट इज, दिस इज डी इन्वर्ट डेट इज आंसर ऑफ जेड। तो ये बना दिया हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है, ये हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन किया। Now we move on the next question, and next question is, what is combinational circuit? What are its characteristics? And detail out its procedure for design of combinational circuit.
तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं, अब आपको इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है और आपको बताना है कि इसको डिजाइन करने के लिए आप कौन सा प्रोसीजर, क्या क्या प्रोसीजर इसके लिए फॉलो करते हैं। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट वो होता है जहां पर आउटपुट डिपेंड करती है ओनली ऑन इनपुट, आउटपुट इज टोटली डिपेंड ऑन इनपुट। ठीक है, तो इसकी अब स्टार्ट करते हैं करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स में आप क्या लिखेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है 8 मार्क्स का। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स में आपने क्या करना है, पहली करेक्टरिस्टिक्स आउटपुट इज एंटायरली डिपेंड ऑन, टोटली डिपेंड ऑन ओनली इनपुट, डिपेंड ऑन ओनली इनपुट, इट्स फर्स्ट करेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स, इट हैज नो मेमोरी एलिमेंट, इसके अंदर कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता। मेमोरी एलिमेंट क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रीवियस आउटपुट नहीं होती है, जैसा कि सिक्वेंशियल सर्किट में होती है, तो प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करने के लिए मेमोरी की जरूरत होती है सिक्वेंशियल सर्किट में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई प्रीवियस आउटपुट नहीं है, उसके लिए जरूरत होती है मेमोरी की, लेकिन यहाँ प्रीवियस आउटपुट नहीं है, तो इसलिए मेमोरी की जरूरत भी नहीं होती कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज इट इज इजी टू डिजाइन, ये डिजाइन करने में इजी होता है क्योंकि इसके अंदर मेमोरी एलिमेंट होता ही नहीं है। ठीक है, फिर ये स्पीड में फास्टर होता है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स आप क्या लिखेंगे, इट इज फास्टर इन स्पीड क्योंकि इसमें मेमोरी नहीं होती। फिर इट रिक्वायर्स मोर हार्डवेयर, इसको है ना इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा हार्डवेयर की जरूरत होती है, इट रिक्वायर्स मोर हार्डवेयर फॉर इट्स रियलाइजेशन, इसके रियलाइजेशन के लिए यानी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको ज़्यादा हार्डवेयर चाहिए होते हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स जो आप लिखेंगे, इट इज एक्सपेंसिव इन कॉस्ट, ये थोड़ा सा कॉस्ट में एक्सपेंसिव होता है। ये हमने देख ली इसकी करेक्टरिस्टिक्स। नाउ वी सी डिटेल आउट इट्स प्रोसीजर फॉर डिजाइन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, अगर आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। अभी हमने पीछे कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करके देखा है, तो उसका प्रोसीजर जो अभी हमने फॉलो किया था वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देख लेते हैं इसका प्रोसीजर फॉर डिजाइन ऑफ एनी कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम समझनी है, स्टेट द प्रॉब्लम इन वर्ड, तो उस जो प्रॉब्लम है आपके उसको वर्ड में स्टेट करेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर इसका क्या रहता है, आप जो आपकी प्रॉब्लम आई है उसके लिए आप फाइंड करेंगे नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट वेरिएबल, कितने इनपुट्स चाहिएंगे और आपको कितने आउटपुट्स चाहिएंगे वेरिएबल। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, फिर आप जो भी जितने भी इनपुट आउटपुट होंगे उसके लिए आप जो है उनको लेटर सिंबल असाइन कर देंगे, उनको सिंबल असाइन करेंगे, जैसे डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, या फिर ए बी सी डी, जो भी आपने सिंबल्स असाइन कराने हैं वो आप असाइन करेंगे सिंबल, जैसे कि अभी हमने इनपुट्स में ए बी सी डी और डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिया था। फिर आप जो है मेक ए ट्रुथ टेबल, जैसे अभी हमने पीछे ट्रुथ टेबल बनाई थी ना ए बी सी डी और डब्ल्यू एक्स वाई जेड को, तो वैसे ही फिर हमने ट्रुथ टेबल बनानी है। नेक्स्ट स्टेप में हमने मेक ए बुलियन एक्सप्रेशन फॉर, फिर ये जो ट्रुथ टेबल है ना इससे हमने बुलियन एक्सप्रेशन बनाना है फॉर आउटपुट, जैसे डब्लू के लिए एक्स के लिए वाई जेड इन सब के लिए बुलियन एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, फिर आपने के मैप की हेल्प लेनी है, फिर आप आओगे जैसे डब्लू के लिए हमने के मैप अलग से बनाया, एक्स के लिए या तो के मैप या फिर लोज की हेल्प से आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे बुलियन एक्सप्रेशन को। ठीक है, आप बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे के मैप या लोज की हेल्प से, फिर आपका जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगा, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो है आ जाएगा यानी मिनिमाइज्ड होकर आपका एक्सप्रेशन आएगा, बुलियन एक्सप्रेशन विल कम, ये आ जाएगा आपका। फिर आप इसके बेस पे बनाएंगे, डिजाइन करेंगे फाइनली, डिजाइन करेंगे फाइनली क्या, लॉजिक सर्किट, लॉजिक सर्किट आप डिजाइन कर देंगे। अभी यही प्रोसीजर हमने पीछे फॉलो किया था, तो इस लॉजिक सर्किट का ये जो प्रोसीजर है, ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है इसका प्रोसीजर को आपको इस तरीके से स्टेप्स में बताना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी लेवल नैंड एंड नो सर्किट इलस्ट्रेट,
ये है 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ये हम पार्ट 2 में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वैसे ही आपको जो है इसे अटेम्प्ट करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एंड और इनवर्ट एंड और एंड इनवर्ट इम्प्लीमेंटेशन, ये भी 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम इस पार्ट को देख लेते हैं। पहले एंड और इनवर्ट को आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन ये क्या होती है ये बताना है, ठीक है। तो एंड और इनवर्ट इम्प्लीमेंटेशन, इसके लिए आप कंसीडर करेंगे फॉलोइंग बुलियन फंक्शन, मतलब कोई भी बुलियन फंक्शन आप सपोज कंसीडर कर रहे हैं, तो कंसीडर कर रहे हैं सपोज हमें एक बुलियन फंक्शन डैट इज ए बी प्लस डी ई इसका इनवर्ट, तो कोई भी आप बुलियन फंक्शन को कंसीडर कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। और अब हम इसको बना के दिखाएंगे, इसका सर्किट ए बी, इस पर है एंड गेट, ठीक है, फिर डी ई, इस पर भी है एंड गेट, और इन दोनों पर है और गेट, और फिर उसके ऊपर है इन्वर्टर, कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज ए बी, दिस इज डी ई, एंड दिस इज ए बी प्लस डी ई, एंड दिस इज ए बी प्लस डी ई का कॉम्प्लीमेंट। तो ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है एंड, यहाँ पर और, यहाँ पर और यहाँ पर नोट, ठीक है। तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड और इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन, एंड और इन्वर्ट, ठीक है, इन्वर्ट को नोट भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड और इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन। नाउ वी सी और एंड इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब और एंड इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन को और देख लेते हैं, इसको आपको कैसे दिखा के आना है। तो इसके लिए भी आप एक फॉलोइंग, मतलब कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन को कंसीडर कर लें, कंसीडर फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन डैट इज एफ इक्वल टू, सपोज आप कुछ भी कर लें कंसीडर, जिसमें और आता हो, एंड आता हो और इन्वर्ट भी आता हो, इन सब का आपने कर दिया इन्वर्ट, ठीक है। तो अब हम इसको भी, इसका भी सर्किट डिजाइन करके दिखा देते हैं। और ये क्या है, ए बी सी, यहाँ पे पहले आ रहा है और, ठीक है, फिर यहाँ पे भी हमारा आ रहा है और ए बार सी, दिस इज ए बार सी, ये और हो गया, ठीक है। अब इन दोनों पे हमारा आ रहा है एंड, अभी आया और, अब आ रहा है एंड, ठीक है। और जब हम इसके ऊपर इन्वर्टर लगा देंगे तो ये हमारा जो है फाइनली इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज ए बार प्लस सी, ये और है, और यहाँ पर हमारा एंड लग रहा है, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी का एंड किसके साथ, ए बार प्लस सी के साथ, ठीक है। और ये हमारा जो है इन्वर्टर लगा दिया, इस जो एंड जो भी था हमारा रिजल्ट था उस पर लगा दिया हमने इन्वर्टर, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट हो रहा है यहाँ पर और, यहाँ पर एंड, और यहाँ पर नोट, तो ये इम्प्लीमेंट हो गया और एंड नोट इन्वर्ट, ठीक है, या फिर कह सकते हैं और एंड इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी 6th और 7th क्वेश्चन कर लिया है, उसके बाद आपका 8th क्वेश्चन रहता है जिसको हम अगले पार्ट में करेंगे। तो स्टूडेंट, लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट में ज़रूर से बताएं कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है, और सब्सक्राइब जरूर करके हमारे साथ जुड़ जाएँ। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।